नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम वेस्टर्न उड़ीसा में बलंगीर में हैं। कल रात में हम रिद्धि सिद्धि होटल में रुके। मेन टाउन से 4 किलोमीटर आउटस्कर्ट्स में ये होटल है। डबल ऑक्यूपेंसी में हमको यहाँ पर, मैंने आपको जैसे कल रात में भी बताया था कि 1800 प्लस टैक्स हमको रेट पड़ा टैरिफ यहाँ पर, जिसमें आज का ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। सुबह के 10 बज चुके हैं। हमें पहले चलकर बाहर कुछ ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं किया। मैं यहाँ पर लोकल ब्रेकफास्ट एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आपकी नॉलेज के लिए, यहाँ से संबलपुर लगभग 130 किलोमीटर दूर है और छत्तीसगढ़ रायपुर लगभग 290 किलोमीटर दूर है। तो पहले चलकर यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम सोनपुर होते हुए संबलपुर को निकलेंगे। इस समय हम ब्राह्मण पाड़ा में नाश्ता करने आए हैं। यहाँ पर संडे मार्केट लगी हुई है। मैंने कुछ लोगों से पता लगाया, इस समय समोसा बड़ा और मिठाई अवेलेबल है, चावल बड़ा अवेलेबल नहीं है, जो हमने अभी तक नहीं खाया। तो मैं तलाश किया काफ़ी सारा, लेकिन मुझे चावल बड़ा अभी नहीं मिल रहा। लोग बोल रहे हैं कि शाम को आओ, बट एनीवेज हमको सोनपुर के लिए निकलना है, तो यहाँ से चलते हैं और रास्ते में नाश्ता करेंगे। बालांगीर सूतपाड़ा एरिया में मेरे को ये शॉप दिखाई दी है। कुछ मिठाई भी दिख रही है और नाश्ता भी दिख रहा है। भैया, आपके पास चावल बड़ा मिलेगा? ठीक है, मुझे आप एक प्लेट चावल बड़ा दे दो और 2 पीस जलेबी के दे दो। लो जी, आप हमारा ब्रेकफास्ट देख लो। चावल बड़ा, जलेबी 2 किस्म की है, करारी और ये वाली जलेबी है सॉफ्ट। साथ में ना, चावल बड़ा के साथ मेरे को यहाँ पर घुगनी मिली है और ये देखिए जी गाजा। मेरे को याद आ गया, ये गाजा मैंने असम में भी खाया था। यहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट भी है और स्नैक भी है। चावल बड़ा में भीरी की रेशो कम रहती है, यानी उड़द दाल। समझ लीजिए कि अगर 1 किलो चावल है तो 200 ग्राम भीरी। सॉफ्ट है, ऑब्वियसली तेल में तला जाता है। ये हम ऐसे भी खा सकते हैं और घुगनी के साथ भी। करारा सा स्वाद है और ये घुगनी के साथ बड़ा बेहतरीन टेस्ट। वाकई करारी है, मीठा थोड़ा सा ज्यादा है। बहुत सारा मीठा मीठा हो गया टेस्ट में। मेरे को ये जलेबी जो सॉफ्ट है ना, ये ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। गाजा को मैदे से तैयार किया जाता है और बाद में इसको शुगर सिरप में डिप किया जाता है। गाजा का टेस्ट ठीक है, जलेबी मैंने ज़्यादा इन्जॉय करी और चावल बड़ा भी मैंने ज़्यादा इन्जॉय किया। वैसे तो सोनपुर यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। हम अभी सोनपुर के रास्ते में अगला हॉल्ट बनरासर में करेंगे, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। कल हमें बलंगीर में कुछ लोकल्स ने बताया, जब आप बलंगीर से सोनपुर की ओर जा रहे होगे तो बीच में आप बैरासर गांव रुकना, वहाँ पर चखा पीठा ज़रूर ट्राई करना। हम बैरासर गांव पहुँच चुके हैं, यहाँ पर अब हम चखा पीठा खाने के लिए देखते हैं कि कहाँ खा सकते हैं। हम यहाँ पर सीमा होटल पहुँच चुके हैं। मेरे साथ होटल ओनर बैठे हैं। इसको बोलते हैं चखा पीठा। आप इसका टेक्सचर देखिए ध्यान से। इनसे मैंने समझा, चखा पीठा में क्या होता है, चावल को 2 से 4 घंटे की सोकिंग करके जब ग्राइंड करते हैं तो उसके अंदर ना आलू की स्टफिंग करते हैं, और जब वो मिक्सर तैयार करते हैं ग्राइंड करते समय, उसमें प्याज अदरक लहसुन ये सब चीज़ें ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी आलू की स्टफिंग करते हैं और उसके बाद उसको तला जाता है, तो चखा पीठा रेडी। चखा पीठा इधर का बहुत फेमस है ना, तो हमको मिली है आलू की सब्जी, एकदम क्रिस्प। मैं आपसे आलू की स्टफिंग की बात कर रहा था भाई साहब, ये स्टफिंग है ना। ओ, चखा पीठा ना वैसे बड़ा प्यारा स्नैक है। अब मैं खा रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर टेस्ट के अंदर जो मेन स्वाद आ रहा है वो चावल को आपने किस लेवल तक पीसा हुआ है। अगर ज़्यादा बारीक भी नहीं है और कोर्स भी नहीं है, मीडियम लेवल पे ग्राइंडिंग है, ऐसा क्या? इस रूट पर जब भी आप आएंगे तो आप चखा पीठा ट्राई करिए, यहाँ का बहुत फेमस है। बट कोशिश करिए या तो सुबह 11 से पहले या शाम को 4 के बाद।
लेकिन भाई साहब अभी ये तो छूट गया हमारा पेड़ा, तो पेड़ा में ऐसे टेस्ट कर सकते हैं थोड़ा कटोरी में डाल के करा दीजिए। बहुत गर्म है, इसको थोड़ी देर पहले भट्टी से उतारा। बहुत गजब टेस्ट है ये, है कि टेस्ट तो खोए का बड़ा शानदार है। मुझे ऐसा लग रहा है चीनी थोड़ी ज़्यादा है, तो आप लोग यहाँ चीनी ज़्यादा पसंद करते हो? हाँ, ऐसे नहीं, थोड़ा कम। अच्छा, पसंद करते हैं। थोड़ा चीनी कम पसंद करते हो? आज लग रहा है चीनी थोड़ी ज़्यादा हो गई। लेकिन ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है, पेड़ा आपने बहुत शानदार बनाया है। हम सोनपुर टाउन पहुंच चुके हैं, सोनपुर को सिटी ऑफ टेंपल्स भी बोलते हैं। सोनपुर से 1 किलोमीटर बाहर की तरफ अभी हम एक मंदिर आए, यहां पर भजन भी चल रहे हैं और प्रसाद भी मिल रहा है। एक चीज मैं आपको खास तौर पर बताना चाहता हूँ, जब आप वेस्टर्न ओडिशा आएंगे तो अम्बिल बिल्कुल मिस मत करिए। खट्टा भी बोलते हैं, अम्बिल भी बोलते हैं, और भी इसके काफ़ी सारे नाम हैं। इसमें जो मेन मेन चीज़ें डलती हैं, दही, टमाटर, हल्दी, बैंगन, मूली और भी बहुत कुछ। बहुत ही एक्सक्लूसिव रेसिपी है। इस समय दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, प्रसाद फिनिश करके हम पंचरथ मंदिर जाएंगे। ये भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव के परिवार के सदस्य चारों ओर विराजमान है। इस समय हम दोपहर के टाइम आए हैं तो यहाँ पर हमारे सिवा कोई नहीं है, लेकिन सुना है ये मंदिर बहुत पॉपुलर है। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, मंदिर में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब हम यहाँ से 1 किलोमीटर आगे महानदी और तेल नदी का संगम देखने जा रहे हैं। अब देखिए हम किस जगह आए हैं। इस समय दो नदियों का यहाँ पर संगम हो रहा है। हमारी यहाँ पर मुलाकात बेनुधर जी से हुई है, यहीं के रहने वाले हैं। इनसे मैं समझ रहा था कि पानी आता कहाँ से है, तो इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। राइट हैंड साइड में जो आप नदी देख रहे हैं, यहाँ पर जो आ रही है, ये तेल नदी है। ये आ रही है सर कालाहंडी से? कालाहंडी से। ग्रेट। और मेरे पीछे मेरी लेफ्ट हैंड साइड से जो नदी आ रही है वो महानदी है। महानदी जब भी आप उड़ीसा के बोलेंगे, जिक्र होगा, तो इसका मतलब लाइफ लाइन ऑफ उड़ीसा। तो दोनों का संगम यहाँ पर हो रहा है। संगम पॉइंट को बोलते हैं रामेश्वर संगम, रामेश्वर, क्योंकि यहाँ पर टेंपल है, रामेश्वर टेंपल। यहाँ बैठकर ना वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा पीसफुल सा संगम है। तो इनसे मैं डिस्कस कर रहा था कि नदी में इस समय प्रेशर क्यों नहीं है, मतलब करंट लेवल लो क्यों है। तो इन्होंने बताया कि अभी बरसात का क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन बरसात के समय पानी का लेवल सर कितना चला जाता है? बहुत ऊँचे। यहाँ आके आप आधा एक घंटा बड़ा इन्जॉय कर सकते हो, और बड़ा शांत सा एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के। ग्रेट। अभी इनसे मेरी चर्चा हो रही थी कि सोनपुर में बहुत सारे वीवर्स हैं जो साड़ी बनाते हैं, साड़ी को बुनते हैं, तो ये हमें असिस्ट करेंगे। उन्हीं में से एक जगह लेके जाने का, यूनिट लेके जाएंगे जहाँ पर हम देखेंगे सिल्क की साड़ी कैसे बुनी जाती है। कितना दूर जाना है हमको? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ग्रेट। चलेंगे? चलेंगे। संबलपुरी साड़ी आप जानते हैं कितनी फेमस है? सिर्फ नाम ही काफ़ी है। इस समय हम पद्मश्री चतुर्भुज मेहर जी के सेटअप में आए हैं, बयन विहार सामने यहाँ पर सेटअप है। चलिए सर अंदर चलें। चलो अंदर चल के हम देखते हैं कि वीवर्स साड़ी को कैसे बुनते हैं और साड़ी में डिज़ाइंस कैसे कैसे हैं।
अभी हम यूनिट के अंदर आए, यहाँ पर आके मैंने देखा काफ़ी वीवर्स हैं जो हैंडलूम पे साड़ी तैयार कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो काम हो रहा है वो हाथ से हो रहा है, बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम है। और देखिए आप कितनी प्रिसिशन से काम हो रहा है, अगर एक भी धागा गलत पड़ गया तो डिज़ाइन में भी फॉल्ट आ जाएगा और साड़ी में कुछ ना कुछ कमी निकल आएगी। हमारे साथ इस यूनिट के मैनेजर हैं मिस्टर ऑगस्ती। एक चीज़ बताइए, सोनपुर और नज़दीकी अगर हम गांव जोड़ लें तो अंदाज़ में कितने वीवर्स होंगे जो इस काम में फुल टाइम इन्वॉल्व होंगे? लगभग सारे सुवर्णपुर जिले में, सोनपुर शहर के साथ साथ गांव जितने हैं, यहां 50,000 हैंडलूम चल रहा है और 2,00,000 से ज़्यादा कारीगर काम कर रहे हैं दिन रात। वाह, ज़बरदस्त। आप हमें साड़ी में कुछ डिज़ाइन दिखा सकते हैं, साथ में उनकी कीमत भी बताइएगा। हाँ सर, ये संबलपुरी साड़ी है, इसके ऊपर जो डिजाइन है वो डिजाइन बहुत बारीक है, वो मालवारी सिल्क में हम तैयार करते हैं और इसका प्राइस 15,000 से ज़्यादा आएगा। सर एक साड़ी बनाने में कम से कम 25 दिन लगेगा। तो ये सारा काम टाई डाई है? हाँ सर, ये टाई एंड डाई काम है। ये भी संबलपुरी का एक डिजाइन है और इसमें टिशू बुना हुआ है और ये भी मालवारी सिल्क है। बनाई में वो 2 महीना लगेगा, ये 2 महीना 2 महीना लगेगा और इनका कीमत 20,000 होगा। ये साड़ी का पोलो है और उनका बड़ी है, ये साड़ी का कीमत 15,000 आएगा। इस हैंडलूम में जो आप काम होते हुए देख रहे हो ना, ये सिल्वर और गोल्ड जरी का काम हो रहा है। 1 साल लगेगा इस साड़ी को बनाने में। इसको, इस तरह की साड़ी बुनने को क्या बोलते हैं सर? इसे फिरा फिर भी बोलते हैं, फिरा फिर भी। फिरा फिर भी बहुत बारीक काम है, सोचो 1 साल लग रहा है साड़ी बनाने में और बाजार में जब ये साड़ी बिकेगी तो 3,00,000 से ऊपर इसकी कीमत आएगी। संबलपुरी जो साड़ी है वो एक्चुअली में बनती है सोनपुर में, तो ऐसे कुछ तो वीवर्स वहाँ पर भी होंगे ना? हाँ सर, संबलपुर में? संबलपुर में नहीं है, संबलपुर में नहीं है। अच्छा, और संबलपुरी नाम के हिसाब से ही साड़ी वगैरह बाहर में प्रसिद्ध है। बढ़िया, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्ते, थैंक यू सो मच, और आपने भी हमको काफ़ी समय दिया, चलो धन्यवाद। साढ़े 8 बजे हम संबलपुर पहुंचे। अपने लिए यहाँ पर हमने होटल उपहार पैलेस में डबल ऑक्यूपेंसी रूम लिया। रूम साइज़ काफ़ी बड़ा है, हमको यहाँ पर टैरिफ 1520 रुपये पड़ा है, इन्होंने क्योंकि हमें 20% डिस्काउंट दे दिया। अब कल का प्रोग्राम ये है, हमको कल लोकल संबलपुर घूमना है और एक्सप्लोर करेंगे, फूड भी करेंगे, साइट सींग भी करेंगे और कोशिश करेंगे संबलपुरी डांस भी हम देख सकें। अब आपसे मुलाकात कल सुबह होगी। दैट रिमाइंड्स मी, हमने हुमा टेम्पल मिस कर दिया। जब हम यहाँ से रिटर्न परसों कटक की ओर जाएंगे तो सुबह पहले हुमा टेम्पल फिर कटक। अब कल सुबह आपको मिलते हैं। अभी तक आपने देखा हमने कटक से अपनी ओडिशा जर्नी की शुरुआत करी, भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर होते हुए हम कोरापुट पहुँचे, फिर हम आगे संबलपुर गए। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे हम हीराकुड डैम गए, बड़ी प्यारी जगह। हमने संबलपुरी फोक डांस भी देखा। संबलपुर घूम लेने के बाद हम कटक गए। वैसे हम रिटर्न झारसुगुड़ा, रांची या रायपुर से भी जा सकते थे, लेकिन हम कटक वापस इसलिए गए क्योंकि मैं वहां जाकर बाली यात्रा देखना चाहता था। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।